हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। सो दोस्तों, जुलाई 2021 की CSWD की जो आपकी एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन क्या हालचाल है, प्रिपरेशन क्या सब बोले सब हो गया सब। CS कार्ड इंडिया के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके सारी की सारी प्रिपरेशन जो है वो हमने कर ली सर। जैसे कि सबसे पहले हमने मॉडल से पढ़ना स्टार्ट किया था, 30 डेज का प्लान कुछ ऐसा हमारा बना था। फिर उसके बाद में कहा कि नोट्स वगैरह जो है अगर स्पेसिफिक अमेंडमेंट वाले अगर उससे हमारा पढ़ना हो जाए तो वो भी बोले बहुत अच्छा हो जाएगा, तो वो भी हमने कर लिया सेकंड वाली चीज़। फिर इसके बाद में चैप्टर वाइज लाइव क्विज जो है वो भी हमने अलग से कर लिए ताकि थर्ड वाला रिविजन जो है वो बोले हमारे यहाँ पे हो जाए। फिर इसके बाद में हमने मैराथन किया जिसमें कि जो चार्ट्स वाला हमारा फॉर्मेट था वो पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है वो अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से अलग से किया, राइट। पूरी कहानी आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रही होगी क्योंकि सारा का सारा काम जो है वो अपने YouTube चैनल पे हुआ। फिर इसके बाद में बोले सर, कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो आपका मॉड्यूल है, जो आपका ICSI का मटेरियल है, उसमें से एक लाइन उठा के वहां से शायद MCQ जो है वो हमसे पूछ लिए जाए, तो हमने वो भी कर लिए सर। फिर उसके बाद में जब सब कुछ कहानी पूरी कंप्लीट हो गई तो अलग से पूरे सिलेबस का जो आपका क्विज है, लाइव क्विज जो है, हर एक सब्जेक्ट के किसी के 75 क्वेश्चन तो किसी के 50 क्वेश्चन तो किसी के 60 क्वेश्चन अलग अलग वो भी हम लोगों ने कर डाले। तो बच्चों से पूछा कि क्या कोई और ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब एक कमी जो है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी जो है वो रह रही हो। तो बच्चों ने कहा सर कि क्या जैसे प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं क्या? हमने कहा सवाल तो बहुत अच्छा है, एकदम सही वाला सवाल है। तो हमने अब डिसाइड किया कि एक फाइनल नेल इनटू द कॉफिन या फिर लास्ट चेरी ऑन द केक जो है वो बोले यहां पे डाल दी जाए, राइट। पास्ट एग्जाम वाले क्वेश्चंस भाई साहब, अगस्त 2020 से लेके लास्ट वाला एग्जाम यानी कि मई 2021 तक के जो भी आपके पेपर्स हुए होंगे सर, ऑल द सेट्स ऑफ द पेपर तो अपन यहां पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आपके एक एक पैटर्न ऑफ पेपर जो रहेगा यानी कि मई 2020 का एक पेपर, फिर उसके बाद अगस्त 2020 का पहला पेपर, फिर नवंबर 2020 का दूसरा पेपर, फिर जनवरी 2021 का तीसरा पेपर और मई 2021 का चौथा पेपर, राइट। इसके ऊपर कल आपका मैराथन रहने वाला है जिसे कि आप जैकपॉट मैराथन के नाम से बुला सकते हैं। कौन से वाला मैराथन? जैकपॉट वाला मैराथन। सो क्यों ऐसा? द रीजन बीइंग वापस से वही सुबह 10 बजे से लेकर शाम को जब तक है जान या जब तक है आपके पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस, सुबह अपन स्टार्ट करेंगे लीगल एप्टीट्यूड से लेके इकोनॉमिक्स से लेके बिजनेस कम्युनिकेशन से लेके करंट अफेयर्स से लेके लॉजिकल रीजनिंग तक के जितने भी आपके एमसीक्यूज होंगे, सारे के सारे एमसीक्यूज आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टी यानी कि लीगल एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स के लिए प्रवीण सर, करंट अफेयर्स के लिए आपके सूरज सर, बिजनेस कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए आपके पाशवी मैम है, और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपके पुष्पम सर, राइट। क्या करेंगे? सारे के सारे पास एग्जाम में जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हुए रहेंगे उनका सही आंसर क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, लॉजिक के साथ में एक लास्ट फाइट अपने को करनी है ताकि CSEET के फाइनल एग्जाम्स को बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक करने के लिए एक सिंगल भी चीज ऐसी ना बचे जिसमें कि हम ये कहें कि सर हमारा प्रिपरेशन नहीं हो पाया, वरना मार्क्स बोले हम बहुत अच्छे लेके आ जाते। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्क्स हम बहुत अच्छे लाने ही वाले हैं क्योंकि प्रिपरेशन एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, बल्कि 8 बार प्रिपरेशन हम कर लेंगे अगर कल का हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो गया तो। तो गाइज बताइए मुझे आप सभी के सभी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या आप सभी लोग तैयार हैं आखिरी चीज को पूरे दिल से, पूरे इत्मीनान से, पूरे क्या बोलेंगे उस चीज को, ईमान के साथ में करने के लिए? अगर हां तो कमेंट सेक्शन में सभी के सभी लोगों का मुझे कमेंट चाहिए कि करके दिखाएंगे, हां भाई हां, CSEET पास करके दिखाएंगे, हां भाई हां, राइट। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे जैकपॉट मैराथन में। इंटरनेट बचा के रखिएगा, घर वालों को भी बोल के रख दीजिएगा कि आज वापस से हमारा वही वाला मैराथन है जो सुबह स्टार्ट होगा और शाम को कब खत्म होगा हमें नहीं पता बोले उस चीज के बारे में।
गॉट द पॉइंट। एंड सर, इसके बारे में अगर पूरी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसके लिए एक तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वापस से नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, और दूसरा सीएस कार्ड इंडिया का जो टेलीग्राम वाला चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। द रीजन बीइंग कि जो पीडीएफ वहां पे आपको मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ ये दो ही जगह पे आपको मिलेगा, पहला सीएस कार्ड इंडिया का व्हाट्सएप का ग्रुप और दूसरा सीएस कार्ड इंडिया का टेलीग्राम का चैनल। एंड सर, क्लास कहां पे होने वाली है? सीएस कार्ड इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही हमारा लाइव आने वाला होगा आपको नोटिफिकेशन जो है वो फटाफट मिल जाएगा। राइट, मिलते हैं कल के मैराथन के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।